तू रोकेगी मुझे? हाँ मैं रोकूंगी तुम्हें। पिंकी दोपहर से बहुत उदास थी, तो मैंने और राघव ने सोचा कि इसे आइसक्रीम खिलाकर चीयर अप करते हैं, तो हम इसे अपने साथ लेकर गए थे। ठीक किया ना हमने? मैं नहीं जानता कि तुम किससे मिलने जा रही थी, लेकिन ये जरूर जानता था कि तुम कुछ करने वाली थी। लेकिन पिंकी को मुसीबत में देखकर सब कुछ भुला दिया तुमने। अगर सही वक्त पे तुम नहीं पहुंचती वहां, तो मेरी बहन के साथ थैंक्स। अरे तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? और ये सारे फूल बाहर ले जाओ। पंडित जी को अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। और ये सारी मिठाई मीठी मासी पूछ लीजिए कहां रखनी है। जाओ। गन्नू साहब, कल मैं देव अंकल से नहीं मिल पाई, मेरी मदद करना गन्नू साहब। बस देव अंकल को यहां भेज देना प्लीज गन्नू साहब। दर्पण। राघव की बाइक है ना? हाँ देव अंकल। कोई तो मिस्टेक हो ला मेरे से, वो दर्पण को इधर बुलाया मैं, पता नहीं। नहीं देव अंकल, आपने कुछ भी गलत नहीं समझा, मैं दर्पण हूँ और राघव की पत्नी भी। दर्पण? ये दर्पण ने मुझे मंदिर में क्यों बुलाया? रोज की तरह कुछ ना कुछ कहना होगा। शायद सच में कोई बात हो। पिंकी। जी भैया। अगर बाबा पूछे कि मैं कहाँ गया हूँ तो कहना कि कुछ जरूरी काम से गया हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है, संभाल कर जाइए। इस तरह 10 साल से मेरे बीते हुए कल से अनजान रहने के बाद मेरे भाई गणेश ने मुझे याददाश्त वापस लाने में मेरी मदद की, फिर मुझे राघव मिला, उसने मुझसे प्यार का झूठा नाटक किया। नारायणी आंटी की मौत का बदला लेने के लिए उसने मुझसे शादी की, उसे लगता है मैंने नारायणी आंटी को मारा। अंकल आप तो जानते हैं ना, मैंने नारायणी आंटी को नहीं मारा,
विश्वास राव ने माना है। साखू मुझे उस गुनाह की सजा देना चाहता है जो गुनाह मैंने किया ही नहीं। मेरे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त, इस बात से अनजान कि हम सबका सबसे बड़ा दुश्मन तो वो विश्वास राव जिसे राघव भगवान मानता है, वो असल में राक्षस है। प्लीज देवंकर, आप तो सारी सच्चाई जानते हैं ना, आप मेरी मदद करेंगे ना? उसने तो आपको भी बहुत टॉर्चर किया है ना। मेरी आखिरी उम्मीद है देवंकर, प्लीज मुझे खुद को सच्चा साबित करना है, मुझे बताना है कि मैं निर्दोष हूं। मुझे विश्वास राव की सच्चाई सबके सामने लानी है, मेरी मदद करेंगे ना? प्लीज। बोलिए ना,